लास्ट फ्यू डेज मैंने आपके इतने सारे सेशंस देखे, एवरी डे आई वाज सीइंग समथिंग और द अदर, बट जब इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है तो वो सारे सेशंस वो थोड़े से दिमाग से हिल जाते हैं. तो हमें कैसे सीख के हमें कैसे क्या करना चाहिए जो हमें इम्प्लीमेंट उसी स्टेज पे हमें इम्प्लीमेंटेशन हो. प्लीज हैव अ सीट एंड आई एम 100% श्योर आप सबकी प्रॉब्लम होगी कि हम सीख तो लेते हैं लेकिन जब इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है तो वो सब जो सीखा था वो याद ही नहीं आता है. याद भी आता है तो ये नहीं समझ आता है कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे करूं. अब आपका क्वेश्चन मुझसे ये होना चाहिए कि आप मेरे सेशन देखते तो हो लेकिन उससे कैसे सीखे. सीखना क्या है? क्या जो आपको सीखना लग रहा है वो सीखना है या सीखना कुछ और ही है? अब प्रॉब्लम क्या होती है, पहले अज्यूम कर लेते हैं. मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज लर्निंग, आप कहोगे नहीं मुझे पता है लर्निंग क्या है, तो वहीं पर खेल खत्म हो जाता है. तो इसका मतलब आपको नहीं पता कि लर्निंग क्या है. बिकॉज अगर आप कहोगे मुझे पता है तो दैट मीन्स आप अटक गए हो. लर्निंग इज ऑलवेज ओपन. हो सकता है आज जो मैं लर्निंग के बारे में बात करने वाला हूं एक महीने बाद कोई सेशन करूं उसमें लर्निंग का ही एक अलग एस्पेक्ट टच कर दूं. तो आई एम ओपन फॉर लर्निंग बट यू आर नॉट ओपन फॉर लर्निंग. क्योंकि जैसे ही मेरे उस सेशन को आप देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे. आप कहोगे अच्छा लर्निंग की आपने इस सेशन में तो ये डेफिनेशन दी है, वहां पर आप कुछ और ही बात कर रहे हो लर्निंग के बारे में. तो क्या ये सही है या ये सही है? समझ गए? इसको लर्निंग कहेंगे ही नहीं, इसका मतलब आपने कुछ सीखा ही नहीं है. क्योंकि लर्निंग इज एंडलेस. अगर लर्निंग के ऊपर ही मैं बात करता रहूं, इफ आई अंडरस्टैंड व्हाट लर्निंग इज तो आई कैन गो ऑन फॉर माय एंटायर लाइफ. अगर मुझे नहीं पता लर्निंग क्या है तो मैं फटाफट से गूगल में सर्च करूंगा अच्छा दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लर्निंग, ये है, रट लो, आपको भी समझ आ गया, मुझे भी समझ आ गया लर्निंग क्या है. ऐसे ही स्कूल कॉलेज में टीचर्स और प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, ऐसे ही स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं. तो लर्निंग कैसे होती है? एक होता है हमारे ऊपर या तो कोई प्रेशर क्रिएट किया जाता है, यानी कि हमको कोई लालच दिया जाता है, या हमारे अंदर डर क्रिएट किया जाता है, उस वजह से हम सीखते हैं. हमारा इंटरेस्ट नहीं है उस काम में, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन सीखना पड़ेगा. जैसे स्कूल कॉलेज में जाना, पढ़ना लिखना पसंद नहीं है, फिर भी क्योंकि उसके पीछे कुछ लालच है, कुछ डर है, तो चलो पढ़ लेते हैं ना, चार साल कर लेते हैं ना. उसके बाद में कहीं जॉब करने के लिए आप गए, उसके लिए आपको एक मशीन चलानी सीखनी पड़ेगी. वो मशीन कंप्यूटर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ योर जॉब. तो वो भी आपको सीखना पसंद नहीं है, लेकिन वहां पर आप सीख रहे हो. इस सीखने को आप मैकेनिकल लर्निंग बोल सकते हो. ये लर्निंग की क्या लिमिटेशन है? ये आपको मशीन का तो एक्सपर्ट बना सकती है, क्योंकि एक मशीन के अंदर अगर आपको ट्रेन करते जाए तो वो मशीन आप सीख जाओगे. जैसे हम गाड़ी चलाना सीख जाते हैं, ऐसे ही अगर आपको एक तरह का काम सिखाते रहे तो वो काम करना आपको आ जाएगा, और उसमें आप एक पर्टिकुलर लेवल पे भी पहुंच जाओगे, वहां से पैसा भी आ जाएगा. तो आप उस काम के तो एक्सपर्ट बन गए जहां से आपके पास में पैसा आ रहा है, लेकिन आप लाइफ के एक्सपर्ट नहीं बने. तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? लर्निंग विच इज रिलेटेड टू लाइफ, लर्निंग वॉट लाइफ इज, विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम लर्निंग वॉट दिस मशीन इज. तो आपकी आदत क्या है बचपन से लेकर के आज तक? मैकेनिकल लर्निंग, मैकेनिकल वे ऑफ लर्निंग, विच इज वॉट, इंफॉर्मेशन अंदर गई, उसको मॉडिफाई किया और बाहर उगल दिया, चाहे अपने एक्शंस के थ्रू चाहे वर्ड्स के थ्रू. न्यूज में कुछ देखा, अखबारों में कुछ पढ़ा, फिर जा करके ग्रुप में बैठे हुए हैं, शादी में 8-10 लोग बैठे हुए हैं, सब रोबोट्स की तरह, पहले से ही प्रोग्राम्ड हैं, पहले ही अपने अपने ओपिनियंस बनाए हुए हैं, यहां से ये कुछ बोलेगा सामने से उसका रिस्पॉन्स पहले से ही तैयार है, बिना सुने कि नहीं जो तू कह रहा है वो गलत है, इधर से कोई आएगा नहीं जो तू कह रहा है वो सही है. समझ गए? ये किस दायरे में आ रहा है? मैकेनिकल वे ऑफ लर्निंग. तो अगर आप यही कर रहे हो पूरी जिंदगी, आपने यही किया, तो क्या एक रोबोटिक लाइफ नहीं है? कि आपकी ब्रेन के अंदर कुछ फीड कर दिया, उसके हिसाब से आप एक्ट कर रहे हो. दिस इज नॉट लर्निंग एट ऑल. मैं उस लर्निंग की बात ही नहीं कर रहा हूं. अब प्रॉब्लम क्या हो रही है? आप मेरे सेशंस भी ऐसे देख रहे हो, देखते तो हो, आदत वही पड़ी हुई है, अलग देखोगे कैसे जब तक समझोगे नहीं व्हाट इज लर्निंग. क्या लगता है, मैं अपनी मेमोरी से बोल रहा होता हूं या कहीं और से बोल रहा होता हूं? पकड़ पाते हो इस चीज को? जिस तरह से मैं बोल रहा होता हूं उसमें और दुनिया जिस तरह से बोल रही होती है उसमें कुछ फर्क नजर आता है? Yes. क्या फर्क नजर आता है? मैं मेमोरी से बोल रहा हूं या कहीं और से बोल रहा हूं? वर्ड्स तो मेमोरी से आ रहे हैं. ये जो वर्ड्स के अंदर जगलिंग चल रही है वो तो मेमोरी से आ रही है, लेकिन जिस चीज के बारे में मैं बात कर रहा हूं क्या वो मेमोरी से आ रही है?
I'm just seeing things as it is and just using memory to say it to you. दोनों में फर्क समझ आया? इस तरह से रियलिटी को देखना और समझना ही लर्निंग है. रियल लर्निंग ऑफ व्हाट लाइफ इज. अब गड़बड़ क्या होती है, इस लर्निंग को भी लोग लर्न कर रहे हैं मैकेनिकल वे में, यानी बुक्स के थ्रू. तो आप अगर 50 अलग अलग बुक्स पढ़ोगे तो 50 में अलग अलग बात करी जाएगी लाइफ के बारे में. अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप कहोगे उस बुक में वो लिखा है, वहां पर वो, 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 कंफ्यूज हो जाओगे. तो क्या ये लर्निंग किसी काम की है? लर्निंग कब है काम की? जब वो लर्निंग कंफ्यूजन को खत्म कर दे पूरी तरह से. दैट इज रियल लर्निंग. आपको पता कैसे लगेगा कि लर्निंग सही हो रही है नहीं हो रही है? जब कोई कंफ्यूजन नहीं है, माइंड बिल्कुल क्लियर है. अब वो माइंड क्लियर कैसे होगा? क्या बातों से होगा? समझना किसे कहते हैं? एक दो तरीके हैं मेरे सेशंस को देखने के. अब मैं बिल्कुल पॉइंट पे आ रहा हूं कि अभी तक भी पॉइंट पे था वैसे. एक तरीका आपके पास में एक ऑप्शन ये है कि उसको देखो एनर्जी के लिए, मजा आता है, मूड अच्छा हो जाता है, है ना, एक थ्रिल है, कुछ अनसर्टेनिटी है. जहां भी अनसर्टेनिटी होती है वहां पे बड़ा मजा आता है. इसीलिए लोगों को नौटंकी देखने में बड़ा मजा आता है, मूवीज देखने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि वहां पे अनसर्टेनिटी है. तो मेरी बातों में अनसर्टेनिटी है, इसलिए आपको मजा भी आता है. क्यों? क्योंकि मुझे खुद नहीं पता है मैं क्या बोलने वाला हूं. तो आप भी बिल्कुल एज पे बैठे हुए हो और मैं भी एज पे हूं. एक तरीका तो ये है, इन सब चीजों से आप इम्प्रेस हो जाओ कि आप देख रहे हो, ओ बढ़िया है जी, बढ़िया है, जो भी कह रहा है इसके लिए बढ़िया, हमारे लिए नहीं. मतलब आपको मजा तो आ रहा है, देख समझ कुछ नहीं आ रहा है. तो दिस इज नॉट लर्निंग. दूसरा क्या है, अब आपके अंदर इंटरेस्ट आया कि चल यार एक बार बातों को भी ना सुन करके देखता हूं, देखती हूं, क्या पता मेरी भी लाइफ चेंज हो जाए, क्या पता मेरे को भी बहुत सब कुछ बढ़िया हो जाए, है ना. जब देखती हूं तो बड़ा अच्छा फील होता है. अब क्या पता इन बातों को अगर मैं प्रैक्टिस में लाऊं तो और बढ़िया कुछ हो जाए. सुन करके मेरी बातों को अपनी मेमोरी में फीड कर दिया, ब्रेन के अंदर फीड कर दिया. जैसी कोई सिचुएशन आई, अब उस मेमोरी के थ्रू जो आपने सुना था और जो सुन करके समझा था, समझा कैसे मेरी बातों को, जो आपकी एग्जिस्टिंग समझ है उसी के बेस पे तो समझा. हो सकता है मैं बात ही कुछ और कर रहा हूं, क्योंकि मेरे जो सेशंस हैं वो इस मैकेनिकल वे ऑफ लिविंग के लिए है ही नहीं. बिकॉज लाइफ इज नॉट अबाउट मैकेनिकल वे ऑफ लिविंग. एक मशीन है, उसको ऑपरेट करने का तो एक मैनुअल हो सकता है, लाइफ को ऑपरेट करने का कोई मैनुअल नहीं है, क्योंकि वहां पे एक तरह से काम नहीं होता है. देर आर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फैक्टर्स विच आर देयर. आप मेरे से पूछ नहीं सकते आकर के कि भाई मेरे जो पेरेंट्स हैं उनसे मुझे प्रॉब्लम है तो इसका क्या सोल्यूशन है. इसके अंदर कितने फैक्टर्स हैं? आप ये तो पूछ सकते हो कि इस मशीन को कैसे ऑपरेट करूं, वो मैं आपको बता सकता हूं. हाउ टू ऑपरेट दिस मशीन, हाउ टू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद माई पेरेंट्स, बताओ मैं क्या जवाब दूंगा आपको. मुझे पता है आपके पेरेंट्स कैसे हैं, मुझे पता है आप कैसे हो, कितने नीच प्राणी हो आप. या दिखा कुछ और रहे हो, अंदर से कुछ और हो. तो आपको कौन जानता है? आपकी जो सच्चाई है या आपके घर की सच्चाई है या जो भी कुछ है उसको कौन अगर जान सकता है तो कौन जान सकता है? आप खुद ही जान सकते हो. एक बात पक्की है, मैं तो नहीं जान सकता. तो मैं आपको क्या सोल्यूशन दूंगा? आपको मुझसे मैकेनिकल सोल्यूशन चाहिए उस प्रॉब्लम का जो मैकेनिकल है ही नहीं. लाइफ इज नॉट मैकेनिकल. लाइफ में तो कहीं से भी कुछ भी हो रहा होता है ना. तो ये जो लर्निंग है, मैकेनिकल वे ऑफ लर्निंग बाय वॉचिंग माई सेशंस, इट वॉन्ट वर्क. इससे कुछ नहीं होगा. इससे क्या होगा? आप और कंफ्यूज हो जाओगे. अच्छा लगेगा, आपकी ईगो बढ़ जाएगी कि मुझे समझ आ गया है, और जाकर के आप लोगों को समझा भी दोगे. समझ है ना, मतलब ज्ञान बांटने में कोई टैक्स थोड़ी लगता है. कोई आएगा तो भाई आपने तो मेरे इतने सेशंस देख लिए हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं देखे हैं. तो आप जा करके वो जो भी आपके अंदर फीडेड है वो सब जा करके चेप दोगे. अरे कुछ नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है. समझ आ गई जी सारी बातें. तो समझिए, यही होता है. कभी देखना, मतलब मेरे को तो सबसे ज्यादा जो मजा आता है ना, मतलब एक्चुअल में शमशान घाट में आप में से कोई गया है कभी? तो वहां पर जाकर देखो सारे ज्ञानी भरे पड़े होते हैं. तो बेटे जो आता है वो जाएगा. उनसे पूछो अंकल जी आप जाने के लिए तैयार हो? बोल रहे हैं क्योंकि पढ़ लिया है, सुन लिया है. ठीक है जी. अब मैं आपको रियल लर्निंग बता रहा हूँ. वो क्या है? मैं मेमोरी से नहीं बोल रहा. तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप अपनी मेमोरी में फीड क्यों कर रहे हो? स्टेप बाय स्टेप मैं बोलता चला जा रहा हूँ, उसको आप देखते चले जा रहे हो, समझते चले जा रहे हो.
ये समझते चले जा रहे हो कि किसी भी प्रॉब्लम को समझते कैसे हैं, उसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। एक तरह से क्या हो रहा है, आपकी ब्रेन की एक्सरसाइज हो रही है। इस एक्सरसाइज का होना ही लर्निंग है। जैसे फिजिकल एक्सरसाइज करोगे तो बॉडी बन जाएगी, उसके लिए कुछ और नहीं करना पड़ेगा, दैट इन इटसेल्फ इज अ कंप्लीट एक्शन। ऐसे ही अगर आप अपनी ब्रेन की एक्सरसाइज करोगे मेरे साथ में, ब्रेन की सही तरह की एक्सरसाइज, नॉट थ्रू मेमोरी बट बाय सीइंग थिंग्स एज इट इज, बातों को मत पकड़ो, वर्ड्स को मत पकड़ो, समझ जाओ जो वर्ड्स हैं वो कचरा है, उसका यूज सिर्फ इतना सा है कि आप वो देख सकोगे वो वर्ड कहां पे इशारा कर रहा है। दिस कम्स इन माई एक्सपीरियंस, इनफैक्ट एवरीथिंग दैट आई से इज इन योर एक्सपीरियंस, सो यू डोंट नीड मेमोरी टू सी दैट। यू नीड मेमोरी जब मैं कोई ऐसी बात कर रहा हूं जो आपके एक्सपीरियंस में ना हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं बात कर रहा हूं, ऐसे बहुत लोग हैं उल्टी सीधी ऐसी वीडियोस बना रहे हैं आज की डेट में, मतलब बड़े बड़े हैं, आप देखोगे वो क्या बातें कर रहे हैं। कॉन्शियसनेस के बहुत सारे स्तर होते हैं, एक होता है बेसिक कॉन्शियसनेस, एक होता है सुपर कॉन्शियसनेस, एक होता है सुपर डुपर कॉन्शियसनेस, आपको यहां से उठ करके वहां जाना है। तो क्या बातें हो रही है, मैंने पूरे सेशन में जो भी कुछ बोला है क्या उन सब बातों को आप रिलेट कर पा रहे हो रियलिटी से। इसको सीखना बोलते हैं, अब रिलेट करो और उसको छोड़ दो, जो भी सेशन में बातें हुई हैं सब कुछ छोड़ दो, उसको मेमोरी में फीड करने की जरूरत नहीं है। आपकी ब्रेन स्ट्रांग हो गई है, आपकी ब्रेन की एक्सरसाइज हो गई है। अगर इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपने देख लिया है, उन वर्ड्स की अब आपको जरूरत नहीं है, आपको वो वर्ड्स काम नहीं आने वाले हैं, वो बातें काम नहीं आने वाली है, लेकिन ये जो ब्रेन की एक्सरसाइज हुई है ये ब्रेन काम आने वाली है। समझ गए? जैसे फिजिकल लेवल पे किसी से लड़ना है तो अगर आपने फिजिकली एक्सरसाइज करी, किसके साथ एक्सरसाइज कर सकते हो, जिसकी खुद की बॉडी बढ़िया हो, जो खुद फिसड्डी हो, वो आपको क्या एक्सरसाइज कराएगा। जिसको खुद को ही नहीं पता फिजिकल एक्सरसाइज क्या है, वो तो उसकी उसके साथ में तो अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो इंजरी हो जाएगी, वो तो कुछ भी उल्टा सीधा कर देगा आपके साथ में। समझ गए ना? तो ऐसा बंदा जो खुद फिजिकली स्ट्रांग हो, यानी कि जिसने खुद ने बहुत फिजिकली एक्सरसाइज कर रखी हो, उसके साथ में आपने फिजिकली एक्सरसाइज करी, अब अगर बाहर जाकर के फिजिकल लेवल पे आपको किसी के साथ में लड़ना है, अब आप लड़ सकते हो क्या? जिस तरह से आपने एक्सरसाइज करी उसको याद रखने की जरूरत है वहां पे लड़ने के लिए? नहीं। वहां पे तो लड़ना है, वहां पर तो जो एक्सरसाइज करके आपकी बॉडी बनी है, जो पावर आई है आपकी बॉडी के अंदर, उस पावर को पूरी तरह से यूज करना है। जिसमें जो भी आपने 3 साल तक उसके साथ में जिम में एक्सरसाइज करी, उसकी जो यादें पड़ी हुई है वो किसी काम की नहीं है। सादा हो गया? कोशिश करो थोड़ा सा है? ऐसे ही तो अगर मेरे सेशंस को आपने इस तरह से देखा, वैसे नहीं जैसे स्कूल कॉलेज में, क्योंकि हमें नंबर थोड़ी ना मिलने वाले हैं आपको, मैं नंबर दूंगा क्या आप बताओ क्या याद है आपको? अरे मुझे खुद ही कुछ याद नहीं है। हाँ मुझसे पूछो भाई 1 साल पहले आपने क्या बोला, पता नहीं, मुझे खुद ही नहीं पता, तो मैं आपको क्या बताऊं? मैं कोई तोता थोड़ी हूं, मैं कोई रोबोट थोड़े ही हूं। फर्क समझिए ना रोबोट में, तोतों में और इन सब में। रोबोट और तोते कौन होते हैं? एक बुक पढ़ ली, भगवद गीता का एक एक जो श्लोक होता है वो रट लिया है। और जैसे नाम नहीं लूंगा, एक भाई साहब हैं जो एक कॉमेडी शो में आते हैं, वो शेर मारते हैं ना बात बात पे। तो ये भाई साहब जिन्होंने रट ली है पूरी की पूरी भगवद गीता, ये बात बात पे श्लोक मारेंगे आकर के, ले बेटा तेरी लाइफ की ये प्रॉब्लम है, ले ये श्लोक ले, ये तेरे बड़े काम आने वाला है, ये ले ये ले। मुझसे पूछोगे मुझे कुछ याद ही नहीं है, पढ़ा सब कुछ है, वेद पढ़े हैं, ये पढ़े हैं, वो पढ़े हैं, पता नहीं कितने स्क्रिप्चर्स पढ़े हैं, सब कुछ पढ़ा है, लेकिन पढ़ता गया, समझता गया और छोड़ता चला गया। अब उस सबकी कोई जरूरत ही नहीं। अब क्या है, अब मेरे सामने जो प्रॉब्लम आएगी उसका सोल्यूशन निकाल लेना है, वो प्रॉब्लम कुछ भी हो, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, कुछ भी हो, किसी भी लेवल की हो। अगर आपकी ब्रेन की आपने एक्सरसाइज कर रखी है तो कभी भी ये नहीं बोलोगे कि कैसे होगा, अरे बोल रहे हो इसको लगा भी ब्रेन की एक्सरसाइज करी नहीं। समझ गए ना? ब्रेन की एक्सरसाइज कर रखी है, एनी प्रॉब्लम इन दिस वर्ल्ड, एनी प्रॉब्लम विच इज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, उसका सोल्यूशन निकालना दुनिया के लिए, आपके लिए ऐसे होगा खेल। ये दुनिया कहां थी आज से 1000 साल पहले, आज कहां है, किसकी वजह से है? इस ब्रेन की वजह से तो है। क्या वो ब्रेन आपके पास में है या नहीं है? हाँ, फिर क्या होता है, क्या आपको अंदर से ये बोलने के लिए मजबूर कर देता है कि ये नहीं हो सकता है,
क्या नहीं हो सकता है। तो अगर आपने अपनी ब्रेन की सही तरह से एक्सरसाइज करी, सही तरह से सीखा मेरे सेशन से, क्या सीखा? कुछ भी मेमोरी में फीड नहीं किया जो मैंने आज कहा। अब हल्के भी हो गए ना इससे? नहीं तो ब्रेन में बर्डन आ जाता है, अब याद रखो, अब जब प्रॉब्लम आएगी तो अब वो याद क्यों नहीं आ रहा। अरे जरूरत ही नहीं है याद करने की, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। तब तो आपकी ब्रेन बिल्कुल खाली होनी चाहिए, जो मैंने बोला वो भी याद नहीं होना चाहिए, सिर्फ जो प्रॉब्लम है उसके साथ आपको जुड़ जाना है। इस तरीके से जुड़ जाना है कि आप और वो प्रॉब्लम एक हो गए। जैसे ही आप उस प्रॉब्लम के साथ एक हुए, उस प्रॉब्लम में से ही आपको सॉल्यूशन निकलता हुआ नजर आएगा। फिर आपको ये जो दो वर्ड्स मैं अपने सेशन में यूज करता हूं, हर सेशन में यूज करता हूं, उसका मैग्नीट्यूड आपको समझ आएगा। कौन से हैं वो दो वर्ड? अरे नहीं, खच्चर दो है। आसान है, आसान है।